पता नहीं जिंदगी में हम किसे अपना लाइफ पार्टनर सोचते हैं और कौन सही में हमारा साथ निभा जाता है। मैं हूं विरल, आपके साथ बात करते हैं जिंदगी से जुड़ी अपनी यादों की। स्कूल क्रश, कॉलेज गर्लफ्रेंड, दिमाग में जिंदगी किसके साथ जिएगी उसके सपने बन जाते हैं, और सपनों का तो काम ही है टूटना। क्या करे, जिंदगी है, चलती रहती है, पर समय आने पर जरूर से लगता है जो हुआ अच्छा हुआ। हमारी जिंदगी के साथ जुड़ी नैनिका साहू जी ने लिखी एक कविता, एक वक्त था, पेश है आपके लिए। आशा करता हूं आपको बहुत पसंद आएगी। एक वक्त था जब हम अजनबी हुआ करते थे, वो अजनबी होकर भी अपना सा लगता था। आंखें सिर्फ उसी को ढूंढा करती थी, दिल उसे बात करने के लिए बेचैन रहता था। उसे फेसबुक पर बार बार सर्च करते थे और उसके न मिलने पर बड़ा अफसोस होता था। दिल सिर्फ उसी को याद किया करता था, ख्वाब भी उसी के आते थे, हर दुआ में उसी का नाम शामिल होता था, खुदा से हर दुआ में उसी को मांगा जाता था। वो फेसबुक पे जब मिल गई तो मानो दुनिया की सारी खुशियां मिल गई, मानो ऐसा लगता था कि रब ने मेरी सुन ली, हम फ्रेंड्स बन गए थे। हर सुबह उसकी फोटो देख के ही होती थी, उसकी एक ही फोटो 100-100 बार देखा करते थे, 2 मिनट बात करके भी दिन भर खुश रहते थे, उसके ऑनलाइन आने का घंटों वेट किया करते थे। हम बोलते रहते थे, वो सुनती रहती थी, एक दिन भी उसकी फोटो देखे बिना नहीं जाता था। जब सिर्फ दिल की ही सुनी जाती थी, दिल और दिमाग पर सिर्फ उसी का राज था। जब उसकी फोटो ना देखे तो दिन सुना सुना सा लगता था, और जब हम अपनी बातों से उसे बोर करते थे तो वो रिप्लाई में सिर्फ इतना ही कहती थी। एक दिन हम दोनों ने प्यार का इजहार कर लिया, फोन पे घंटों बातें हुआ करती थी, दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। फिर एक वक्त आया जब उसका और मेरा रास्ता अलग हो गया, और एक आज का वक्त है जब उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक आज का वक्त है जब दिल में उसके लिए एक भी जगह नहीं है, और एक आज का वक्त है जब हम फिर से अजनबी हो चुके हैं।